नमस्कार दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। तो आज बीआरओ में व्हीकल मैकेनिक की जो परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड हम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली, तो इसके ऊपर 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, एयर कूल्ड इंजन के लाभ निम्न में से क्या है? तो क्या लाभ है इसके? ये हल्के होते हैं, इसमें लीकेज नहीं होता है, एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों है, जिसका आंसर ए का डी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रति हॉर्स पावर पर फिन्स की सतह का क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1400 से 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर सी। तीसरा, सिलेंडर का सही कार्यकारी तापक्रम होता है, सिलेंडर का सही कार्यकारी तापक्रम 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, रेडिएटर के जोड़े डैश द्वारा बनाए जाते हैं, तो रेडिएटर के जोड़े सोल्डरिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, आंसर बी। इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है? इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण संवहन के द्वारा होता है, आंसर ए। थर्मोस्टेट वाल्व डैश से कम तापक्रम के पानी को अपने अंदर से नहीं बुझाने देता है, थर्मोस्टेट वाल्व 77 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम के पानी को अपने अंदर से नहीं बुझाने देता है। वाटर जैकेट बना होता है, वाटर जैकेट किसका बना होता है? सिलेंडर ब्लॉक पर बना होता है, वाटर जैकेट सिलेंडर ब्लॉक पर बना होता है, सर ए। प्रयोग में आने वाले जमावरोधी पदार्थ हैं, कौन सा जमावरोधी पदार्थ है? प्री इग्निशन, डाइटानेशन और नॉकिंग, तीनों है, अर्थात आंसर डी, उपरोक्त सभी। कूलिंग सिस्टम के प्रयोग न करने से निम्न दोष आ जाता है, कौन सा दोष आता है कूलिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं करने से? प्री इग्निशन, डाइटानेशन और नॉकिंग, तीनों प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए आंसर इसका उपरोक्त सभी, आंसर डी। एयर फिन्स बने होने से सिलेंडर पर क्या प्रभाव पड़ता है? एयर फिन्स बने होते पर हवा के क्षेत्रफल बढ़ जाता है, आंसर ए। थर्मोसाइफन की निम्न हानि है, क्या हानि है? यह छोटे वाहनों के लिए उपयुक्त है, इसकी दक्षता कम होती है, इसमें दोनों हानि, अर्थात आंसर ए और बी दोनों सही है। पानी को किसका प्रयोग करके ठंडा रखा जाता है? पानी को रेडिएटर का प्रयोग कर ठंडा रखा जाता है, आंसर ए। निम्न में से टेम्परेचर गेज कार्य करता है, क्या कार्य करता है? इंजन के कूलेंट ताप को दर्शाना, आंसर ए। टेम्परेचर गेज कार्य करता है इंजन के कूलेंट ताप को दर्शाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एंटी फ्रीज लोशन होता है, एंटी फ्रीज लोशन क्या है? ग्लिसरीन है और एल्कोहल है, दोनों है, अर्थात आंसर सी। निम्न में से कौन सा कार्य एंटी फ्रीज लोशन का है? कौन सा कार्य है? रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा कार्य एंटी फ्रीज लोशन का है? एंटी फ्रीज लोशन का कार्य है रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना, आंसर बी। इंजन के अधिक गर्म होने का कारण निम्न से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इंजन का जाम होना हो सकता है, इग्निशन हो सकता है, वाल्व टाइमिंग गलत होना हो सकता है, अर्थात आंसर डी, ग्रुप सभी। रेडिएटर बना होता है, किससे बना होता है? तांबा और पीतल दोनों से बना होता है, अर्थात आंसर डी।
एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्तियां क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? फिन्स कहलाती है। आंसर सी। थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ फिट रहता है? थर्मोस्टेट वाल्व वाटर आउटलेट में फिट रहता है। थर्मोस्टेट वाल्व वाटर आउटलेट में फिट रहता है। आंसर ए। रेडिएटर साफ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर साफ करने के लिए रिवर्स फ्लशिंग किया जाता है। आंसर ए। निम्न में से किसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में जमावरोधी की तरह होता है? किसका होता है? इथिलीन ग्लाइकोल का। निम्न में से किसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में जमावरोधी की तरह होता है? इथिलीन ग्लाइकोल का। आंसर डी। पर्याप्त कूलिंग न करने से इंजन की कौन सी समस्या आती है? कौन सी समस्या आती है पर्याप्त कूलिंग करने से नहीं करने से? सीजिंग होती है, प्रिग्निशन होता है, नॉकिंग होता है। आंसर आंसर डी। ग्रुप सभी। इंजन को बाहरी रूप से धोने से क्या फायदा होता है? इंजन को बाहरी रूप से धोने से इंजन के पुर्जों के संभावित नुकसान का पता चल जाता है, इंजन में जंग नहीं लगता है, इंजन कूलिंग अच्छी होती है। ब्रोक सभी। आंसर डी। निम्न में से एंटी फ्रीज कौन सा कार्य है? एंटी फ्रीज का कार्य है रेडिएटर पानी जमने से रोकना। आंसर डी। किस साधन में एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग करना गलत है? किस साधन में? बस में। बस में एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग करना गलत है। आंसर सी। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? फिन्स कहलाती है। सी। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी संरचना फिन्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य होता है, क्या कार्य है? रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित रखना। आंसर बी। रिवर्स फ्लशिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? रिवर्स फ्लशिंग विधि का प्रयोग रेडिएटर को साफ करने के लिए किया जाता है। सर बी। रेडिएटर में पानी की प्रवाह की दिशा होती है, क्या होती है? ऊपर से तली की ओर। रेडिएटर में पानी की प्रवाह की दिशा होती है ऊपर से तली की ओर। आंसर सी। रेडिएटर पंखा हवा को कैसे व्यवहारित करता है? रेडिएटर पंखा हवा को आगे से पीछे प्रवाहित करता है। आंसर बी। रेडिएटर पंप का कार्य निम्न में से क्या है? रेडिएटर पंप का कार्य मेन रूप से है जल को परिचालित करना। आंसर सी। रेडिएटर में ताप का संचरण किस विधि द्वारा होता है? रेडिएटर में ताप का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। आंसर बी। शीतलक के प्रयोग करने का प्रयोजन होता है, शीतलक के प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है? कार्यरत उपकरणों और मशीन को ठंडा करने के लिए। शीतलक के प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है? कार्यरत उपकरणों और मशीन को ठंडा करने के लिए। आंसर बी। इंजन में पानी का स्तर कम रखने का क्या परिणाम होता है? पिस्टन का टूटना, इंजन का नॉकिंग, गियर की खराबी। सभी है साथ। इसका आंसर डी। इंजन में पानी का स्तर कम रखने से पिस्टन टूट सकता है, इंजन का नॉकिंग हो सकता है, बियर में खराबी आ सकती है। अगला है, रेडिएटर में ताप स्थानांतरण की विधि होती है, कौन सी विधि होती है? संवहन। डी। ऑटोमोबाइल इंजन में थर्मोस्टेट का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑटोमोबाइल इंजन में थर्मोस्टेट का प्रयोग शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने में किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन में थर्मोस्टेट का प्रयोग शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रण करने में किया जाता है। आंसर ए। वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ डैश बने होते हैं, क्या बने होते हैं? वाटर जैकेट। वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट बने होते हैं। सोडियम का गलनांक बिंदु कितना है? सोडियम गलनांक बिंदु है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। 98 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर ए। रेडिएटर बना होता है किससे?
तांबा और पीतल दोनों से। आंसर डी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेडिएटर बना होता है तांबा और पीतल दोनों से। वाटर कूलिंग के प्रकार है, कौन से प्रकार है? थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग और पंप कूलिंग। आंसर सी, ए और बी दोनों से। वाटर कूलिंग के प्रकार है थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग और पंप कूलिंग। निम्न में से वाटर कूल इंजन होता है, वाटर कूल इंजन क्या होता है? फोर स्ट्रोक इंजन होता है। निम्न में से वाटर कूल इंजन क्या होता है? फोर स्ट्रोक इंजन होता है। निम्न में से इंजन एयर कूल होता है, क्या होता है? टू स्ट्रोक इंजन। निम्न में से इंजन एयर कूल क्या है? टू स्ट्रोक इंजन। आंसर बी। रेडिएटर में किस कारण से पानी कम होता है? किस कारण से? हेड गैस के टूटी होने से और बोर में लीकेज से। ए और बी दोनों से यह था आंसर डी। इंजन में पानी के तापक्रम को दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इंजन में पानी ताप दर्शाने के लिए टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी। इंजन के कार्य के लिए आवश्यक तापमान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इंजन के कार्य के लिए आवश्यक तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। आंसर डी। रेडिएटर को फटने से बचाने के लिए लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? रेडिएटर प्रेशर कैप। रेडिएटर को फटने बचाने के लिए रेडिएटर प्रेशर कैप लगाया जाता है। आंसर डी। रेडिएटर कैप में कितने वाल्व लगे होते हैं? रेडिएटर कैप में दो वाल्व लगे होते हैं। सर बी। रेडिएटर फैन को चलाने के लिए कौन से बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर फैन को चलाने के लिए भी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर फैन को चलाने के लिए भी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी। जब थर्मोस्टेट वाल्व बंद होता है तो पानी बहती है, कैसे बहती है? बाईपास वाल्व से। जब थर्मोस्टेट वाल्व बंद होता है तो पानी बहती है बाईपास वाल्व से। थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है, कहाँ लगा होता है? सिलेंडर हेड में। थर्मोस्टेट वाल्व सिलेंडर हेड में लगा होता है। बाईपास वाल्व लगा होता है, कहाँ लगा होता है? सिलेंडर ब्लॉक में। बाईपास वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता है। वाटर पंप का हुआ भाग जो पानी को तेजी से सिलेंडर ब्लॉक में भेजता है, क्या कहलाता है? इम्प्लेयर। वाटर पंप का हुआ भाग जो पानी को तेजी से सिलेंडर ब्लॉक में भेजता है, इम्प्लेयर कहलाता है। आंसर ए। वैक्यूम वाल्व खुलते कहां पर खुलती है? 0.035 से 0.207 केजी पर सेम स्क्वायर पर खुलती है। आंसर ए। रेडिएटर के चोक होने पर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या? जल का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी। बिना पंप का वाटर कूलिंग सिस्टम कहलाता है, क्या कहलाता है? बिना पंप का वाटर कूलिंग सिस्टम थर्मोसाइफन कहलाता है। बिना पंप का वाटर कूलिंग सिस्टम थर्मोसाइफन कहलाता है। ए आंसर ए। वाटर पंप को शक्ति प्रदान किया जाता है क्रैंक शाफ्ट द्वारा। वाटर पंप को शक्ति प्रदान किया जाता है क्रैंक शाफ्ट द्वारा। आंसर ए। वाटर कूलिंग के लिए प्रयोग होता है क्या? सोडियम। वाटर कूलिंग के लिए सोडियम का प्रयोग होता है। वाटर कूलिंग में रेडिएटर के पाइप ठंडे होते हैं हवा से। वाटर कूलिंग में रेडिएटर के पाइप ठंडे होते हैं हवा से। आंसर बी। शीतलक मिलाया जाता है कार्यरत उपकरण को ठंडा करने के लिए। शीतलक कहाँ मिलाया जाता है? कार्यरत उपकरण को ठंडा करने के लिए। आंसर बी। थर्मोसाइम थर्मोसाइफन सिस्टम में होता है, क्या होता है? थर्मोस्टेट। थर्मोसाइफन सिस्टम में क्या होता है? थर्मोस्टेट। आंसर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तब तक